आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठ कर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। कल तो इतनी आंधी आई थी, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई। फिर सुबह हमारी जो हेल्पर है वो आई है, उसने सारी सफाई की है। और सुबह जुमा है, उनकी छुट्टी होती है, लेकिन अभी दोबारा से आ गई आंधी और फिर से हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो अब सुबह हमें खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, कर लेंगे। अब मुल्तान में ना ऐसा ही होता है, रोज़ ही आंधी आती रहती है, रोज़ ही आंधी आती रहती है। तो यह कि मौसम तो सही हो जाता है, मतलब थोड़ी ठंडक हो जाती है, लेकिन हर चीज़ पे मिट्टी जो हो जाती है वो अलग। ये बैठी हैं मम्मी। अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बेटियाँ, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे, अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। आमीन आमीन। अम्मी ने अभी चश्मा लगाया हुआ है, मिट्टी इतनी थी तो मैंने चश्मा लगाया, इतनी मिट्टी वो क्या रही थी। पहले तो दुपट्टा से छुपाया, फिर वहाँ ने अंदर से जाके अपना चश्मा ले के दिया, अम्मी ये पहन के बैठो। हाँ जी, मैंने अम्मी को कहा आप आंखें बिल्कुल ना खोलना, आंखों में मेरी मिट्टी जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी की आंखों में मिट्टी ना जाए, तो आंखें खोली नहीं, दुपट्टा में बैठ के बैठी रही। हाँ सही किया, खत्म हो गई अंधेरी, थोड़ी काम हो गए। हमने कहा लोग शुरू करें, आपसे बातें भी करें। हाँ जी, और ऐसी मिट्टी उड़ी के मेरे सारे बालों में ही मिट्टी मिट्टी। अभी मैं कपड़ों का तो यही शर्त है, मैं अभी नहा के आई हूँ और अम्मी को तो अभी सर्दी लगेगी। अम्मी कह रही है मैं सुबह नहाऊंगी, मेरे कपड़े भी गंदे भी हैं लेकिन मैं सुबह नहाऊंगी, क्योंकि आप सब ठंडे पानी से नहाऊं ना मेरे हाथ ऐसे रुक जाते हैं, फुटबॉल से पड़ जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। हाँ जी, ये डर लगता है। एक दिन पहले भी मेरे हाथ अंदर ही रुक गए थे, मैंने कहा फिर मैं तो धूप में ही नहाऊंगी। हाँ जी, तो अम्मी तो नहाएंगी सुबह, मैं अभी नहा ली हूँ और अब्दुल्ला हाथ भी सफारा पढ़ने चला गया। तो अभी बनाते हैं शाम का खाना, लाइट चली गई है इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, और लाइट कल की तरह फिर पता नहीं किस टाइम आए तो मैं रोटी बना लूँ, मम्मी के लिए सागुदाना बना लूँ। घंटा हो गया चली गई है। हाँ जी, घंटा हो गया चली गई है। एक अभी रोशनी है ना तो पका लेती हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा तो रोटी पकाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मम्मी के लिए बनाती हूँ सागुदाना। आज की रूटीन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ चटनी बनाई जा रही है। जी, मैंने कहा तवा रखूंगी ना रोटियां बनाकर, उस फिर तवे पे फ्राई कर लूंगी कबाब। चटनी पहले से तैयार करके रखूं, फिर गरम गरम खाना खा लेंगे। सिपारा पड़ के अब्दुल्ला आ गया था माशाल्लाह से, तो अभी क्या आगे मुझे बता रहा था कि आज मैंने टॉफियां बांटी हैं क्योंकि मैंने नया सिपारा उठाया है माशाल्लाह। मिट्टी देखें सारे अंदर मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन अब अंदर भी अंधेरा हो गया, लाइट भी नहीं आई है, यूपीएस भी बस एंड होने वाला है, तो इस किचन का बस एक बल्ब जल रहा है। अंधेरा कमरे में हो गया, अब सुबह को ही इसको झाड़ू देंगे, रात को तो वैसे ही बाहर सोएंगे, अल्लाह करे बस रात को बारिश ना आए। अब मैं पकाती हूँ रोटी। ये साबुदाना है, ये मैं आज पकवा रही हूँ साबुदाना, क्योंकि रोटी खा कर थक गई हूँ, आज मैंने कहा कोई नरम चीज खाती हूँ। ये देखें 6 गिलासों में ये 1 गिलास बचा है, इकलौता बच गया, दो मेरे से टूट गए, एक एक करके सारे टूट गए, दो अब्दुल्ला से टूटे हैं और एक कल नबिया से टूट गया। अभी इकलौता है खड़ा है बीच ये वाला। देखो ईद पे नए लेंगे, ईद आ रही है ना, बकरा ईद।
मैं तो बस दवाइयां खा खा के मेरा तो हर वक्त जायका खराब। मुंह का जायका बहुत खराब है। बस दुआ करें कि अल्लाह करे मैं सही हो जाऊं, इंशाल्लाह लग रहे डॉक्टर के पास जाए तो ये दवाइयां जो हैं मुझे अच्छी पड़ जाएं। जैसे भी है 1 महीने का प्रेस कहा है, फिर क्या जाऊंगी ना तो इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं इधर चेयर पे बैठ के बना रही हूँ, मैं खड़े खड़े थक जाती हूँ। इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह सही गोल गोल रोटी आई है। अब तवा गरम हो गया था, ये रखी हुई है वो जो शामी टिक्कियां, देखें शामी मैंने फ्राई कर लिया और अब अम्मी के लिए सागुदाना जाना वो मैंने रख दिया है, इसको भी साथ ही पका के फिर बाहर जाती हूँ। चले हम लोग खाने लगे हैं खाना, मैं और अब्दुल्ला। हाँ जी आप लोगों ने भी खाना है तो आ जाए हमारे साथ, ज्वाइन करें हमें, बिस्मिल्लाह करें। और अम्मी अपना सागुदाना जाना वो कह रही है, मैं खुद देखती हूँ, तुम लोग बैठो खाना खाओ। अपनी खड़ी खड़ी है अम्मी। चलो जी वालेकुम सलाम, अपनी गाड़ी आ जाओ खाना खाना। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और आज ये देखें फिर वही हाल है कल वाला, सारी मिट्टी ही मिट्टी है और कचरा ही कचरा है कमरे में। तो आज है जुमा, आप सबको जुमा मुबारक हो। तो आज जो हमारी हेल्पर है ना वो आती नहीं है, वो छुट्टी करती होती है जुमे के जुमे। तो जुमे के वाले दिन घर का काम हमें खुद करना पड़ता है, तो आज ये मिट्टी फिर हमें खुद ही साफ करनी पड़ेगी। तो पहले झाड़ू देती हूँ, इसके बाद फिर कमरे में चारपाई बिछाएंगे, तो फिर उस चारपाई पे बैठ के नाश्ता करेंगे ना। तो पहले चारपाई नहीं बिछाते, पहले मैं झाड़ू दे दूँ फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, और अम्मी और अब्दुल्ला फिर चारपाई और कूलर अंदर बैठ लेंगे ना। रात को फिर हमारे लाइट ने वही किया था, 12 बजे लाइट आई है, बस नींद भी सही नहीं आई और ऐसे ही हम लोग सवार हो गए। चले पहले झाड़ू दे देती हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। ये चरपाई खड़ी कर दूं, ऐसे नीचे से लगा लोगे? इस चरपाई इधर कर देंगे ना, अच्छा उधर दे दूंगा फिर उधर कर देंगे चरपाई। रात को अंधेरा होने से पहले ही मैंने खाना पका लिया था ना, ये मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके बाद ऐसा हुआ कि लाइट तो रात को 12 बजे आई। हम लोगों ने जैसे खाना खाया, अम्मी ने दवाई खाई जुम्मे की होती हैं, तो उसके बाद जो हमारा यूपीएस है ना वो भी आवाज़ देने लग गया। हालांकि सिर्फ बल्ब जल रहे थे, लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना लाइट चली गई थी, तो यूपीएस भी हमारा बंद हो गया। तो फिर बस हम अंधेरे में ही लेटे रहे, अब्दुल्लाहत भी बस ऐसे गर्मी में सो गया था, यह कि बीच में फिर बार बार उठ जाता था बड़ी मुश्किल से, उसको फिर मैंने सुलाया, हाथ से हवा देती रही। तो ऐसे बस 12 बजे तक ना मुझे तो नींद ही नहीं आई, लाइट आई है तो तब जाके नींद आई है, हवा में कूलर बाहर निकाला था तो फिर जाके नींद आई है। तो ये हो रहा है आजकल हमारे साथ, और रोज़ ही आंधी आ रही है, इतनी मिट्टी हो जाती है ना हर चीज़ पे। तो आंधी को देख के ना मुझे बात याद आ गई, मैं कहीं एक जोक पढ़ रही थी कि जिस दिन सफाई ना करो उस दिन मेहमान आ जाते हैं, और जिस दिन सफाई करो उस दिन आंधी आ जाती है। तो सेम यही हो रहा है हमारे साथ भी। झाड़ू तो मैंने जैसे तैसे दे दी थी, फिर मैं अब्दुल्लाह को कह रही थी कि बेटा पोछा जो है ना वो आपने लगाना है, क्योंकि ना मेरे से लगता है और ना ही अम्मी से नीचे बैठ के लगाया जाता है, तो आपने ही लगाना है। कहता मामा मुझे नहीं आता लगाना। मैंने कहा बस तुम ना खड़े हुए पैरों से ही लगा लो, जैसे भी लगेगा ना कोई बात नहीं, और जब जुमे वाले दिन हर जुमे को आपने ही करना है, क्योंकि उस दिन वो आंटी जो है ना वो नहीं आती होती है, तो आपने ही करना है।
तो लगा दिया उसने पोछा, खैर जैसे भी लगाया उसने कोई बात नहीं, चलो ये है कि मिट्टी तो साफ़ हो ही गई ना कुछ ना कुछ। उसके बाद फिर डस्टिंग भी थोड़ी बहुत मैंने कर दी, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता है उन उन चीज़ों को तो मैंने साफ़ कर दिया। बाकी ये है कि जो अच्छे वाली सफाई होती है वो तो फिर वो जो बाजी आएंगी ना वो करेंगी, क्योंकि मेरा हाथ ज़ाहिर है कहीं जाता है कहीं नहीं जाता, कुछ जगह ऐसी होती हैं खड़े होकर सफाई करनी पड़ती है, तो वो फिर वही सही कर सकती हैं। और सऊदी अरब में जी ज़िलहज का चांद नज़र आ गया, तो आप सब लोगों को जहाँ जहाँ पे भी हमारे देखने वाले हैं जहाँ पे चांद नज़र आ चुका है, तो उन सबको ज़िलहज का चांद मुबारक हो, और अल्लाह पाक सबके हज कबूल करे। जो खुश नसीब इस साल हज कर रहे हैं अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे, और अल्लाह पाक हम सबको भी अपने घर पे बुलाए, हर मुसलमान को अल्लाह पाक एक दफ़ा तो अपने घर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैं अब्दुल्लाह को समझा रही थी कि बेटा वहाँ पे देखो जगह सूखी पड़ी है, तो वहाँ पे नहीं तुमने किया, वहाँ पे तुमने नहीं किया, तो उसको मैं साथ साथ ज़रा बता रही थी तो वो कर रहा था। पूरे कमरे की सफाई हो गई है जैसे भी हुई है हमसे, चरपाइयाँ भी अंदर डाल दी हैं, अब्दुल्लाह ने पोछा लगाया, लुबना ने झाड़ू लगाया है, और मैंने चरपाई डाली है, तीनों ने मिलकर ही ये काम पूरा कर दिया माशाल्लाह। अब्दुल्लाह बाहर निकल गया, अभी नाश्ता बनाती है लुबना, तो फिर नाश्ता करते हैं, और फिर आँखों की दवाई का टाइम भी हो जाएगा, बस पता नहीं चलता दिन गुजर जाएगा माशाल्लाह से। यहाँ चाय बन रही है और रोटी बन रही है, यहाँ का नाश्ता रेडी हो रहा है। कमरा जो है साफ हो गया, अब कमरे में बैठ के नाश्ता करेंगे। चाय बन रही है, मैंने कहा जब तक मैं पेड़े बना लूं आटा पूरा हो जाएगा, हो जाएगा, तीन रोटियां तो बन जाएंगी। ये देखें चाय भी अभी रखी हुई है, अभी उबली नहीं है। सालन आज कोई भी नहीं रखा हुआ था, शाम ही रखे हुए थे, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा था मेरा वो खाने का, क्योंकि कल नाश्ते में भी हमने खाया, फिर कल शाम को भी खाया, तो बार बार एक ही चीज़ तो अच्छी नहीं लगती, वो फिर मैंने नहीं फ्राई किए। मैंने कहा बस चाय के साथ ना खा लेते हैं। मैंने अपना और अब्दुल्लाह का पराठा बना लिया था, और अम्मी की सादी रोटी बनाई थी। अम्मी का सालन रखा हुआ था लेकिन वो ना ख़राब हो गया, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा लेट लाइट आई थी कि फ्रिज बंद रहा, तो उसकी वजह से जो सालन है ना वो ख़राब हो चुका था। तो अम्मी ने भी फिर बग़ैर घी के रोटी तो बनवाई हुई थी, लेकिन जब सालन देखा ख़राब था, फिर अम्मी ने वही रोटी फिर चाय के साथ ही खा ली। नाश्ते के बाद फिर मैंने बर्तन धो लिया, और आज बर्तन भी कम थे, क्योंकि कल रात को सालन तो हमने बनाया नहीं था, अम्मी का भी रखा हुआ था सालन, और हमारा भी रखी हुई थी टिक्कियाँ, बस वो फ्राई किए, तो बस हो गया हमारा काम ख़त्म। अच्छा शामी को मैं टिक्कियाँ बार बार कह रही हूँ, अब इस पर भी कमेंट आ जाएंगे कि टिक्कियाँ नहीं होती वो शामी कबाब होते हैं, क्योंकि कल मैंने बोल दिया था ना इमली, तो सारे कमेंट में यही आ गए थे वो इमली नहीं होती वो अम्बी होती है वो कैरी होती है। भाई मुझे पता है लेकिन हम लोग उसको इमली भी बोलते हैं। हसीब और मुईज़ आए हुए हैं अब्दुल्ला हाथ से मिलने, और ज़ारा आई हुई है नानी अम्मा से मिलने। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है। दिल लग गया ना घर में? अब्दुल्ला की याद आती है? हाँ हमें भी आपकी याद आ रही थी। चलें आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, आप कल नए व्लॉग के बाद नए दिन के साथ, तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर तो बोल दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप कल नए व्लॉग के साथ, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।